हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हम कहे बड़की माई खुरी छुई हराम ज्यादे कमीने हाँ बताओ ऐसे पै लगी करे चाही कैसे करे चाही बताओ बे माई माई पाँव लागी अरे हमका पहले बतावा चाही मातारी माई पावई लागी पावई लागी करे हम तोर महतारी नहीं गाय भाई सोईगी है महारानी गाड़ू माई खुरी लागी माई पावे लागी हमसे जैसे लेत बना तो ऐसे लेता ही माई करे अरे हम जोर करत है और का देख हरिचंदा हाँ माई तै हमरे खिया बहुत दिन से नौकरी करता है हाँ माई तोर काफी दिन से करता हूँ कमावा और का कहता है तै हमरे खिया बहुत दिन से नौकरी करता है छोट मोट गलती पे हम तोरे ध्यान नहीं दे कब हम नहीं दी माई बात हमका थोड़ बहुत कब हम नहीं दी अगर आई यहाँ देर से हाँ तो सबसे पहले भैया बाबू हरेन से माई बहन से हमारे बारे में बताओ जल्दी बताओ अरे भाई भाई बताओ बताई ये इतनी बात रही पहले बताओ चाहे महतारी भैया हरे हमारे माई के बारे में जान ले हमारे माई के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक बतावत है हमारे माई के बारे में जुआ लीख यहाँ झुआन में लीख हुई है जहुआन में जुआ हुई और नीचे में चलावा चौगोड़िया तक है यह बतावे कहे तो का महारानी गाड़ू माई के बारे में लीख यहाँ जुआ है चौगोड़िया है और महारानी तो कहू हमारे बारे में बता दो बारे में और का होती का रहा थी बारे में करे है बहन गलत बोले का तब आए बेटवा हमार कहा मतलब ही कि भैया बाबू हरेन से हमार पर्चे बता दे हमरे विषय में बता दे हमार नाम का बा हम कहाँ का रहाय वाली है हे माई देखा महतारी तोहार हम इतना दिन से करत ही का करता है काम धंधा हम कभो तो हरे मुहे पर ना ही ले तो आज कैसे ले इसलिए अपना पर्चे अपने मुखार में स्वयं बता दे भैया माई आप कहाँ के रहने वाली हैं आपका नाम क्या है आपके घर में कितने प्राणी हैं तोर कहा मतलब इबा हमरे खिया इतना दिन से ते नौकरी करता हा हाँ? कभो हमरे सामने हमार नाम नहीं ले अरे महतारी छोड़ कभो करबई नहीं कहबई नहीं भाई ठीक बा तै वही चल बैठ हम खुद अपन पर्चे बतावे चलती है ठीक बा माई सोर जी मचाए चिल्लाए जी वही बैठ चुप्पे से ना बोला अच्छा ना बोला माई सासों ने ले महारानी गाड़ू चुप्पे से बैठ जाया ला। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पर्चे बता देना उचित समझती हूँ हिला दे जो पत्ता पत्ता उसी को जवानी कहते हैं लोग मुझे प्यार से कमला रानी कहते हैं कमला रानी वो बला है जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया मेरा नाम कमला रानी है इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था कुछ दिन बीता मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम प्रमोद कुमार है प्रमोद जब एक साल का हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई मतलब मर गई हाँ वो मर गई भगवान को प्यारी हो गई भाई मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि प्रमोद का पालन पोषण कैसे होगा सही बात है वो हमेशा परेशान रहने लगे उनके दिल में यह विचार आया मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दिए भाई सोचे समझन की आखिर लड़के की परवरिश कैसे होए आप रहो तो मौसी माई रहो तू ठीक कह रहा है हरिचंद
उसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दिया। जब मैं यहाँ पर आई कुछ दिन बीता, मेरे भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम विनोद कुमार। विनोद भैया, तुम्हारा सगा लड़का है ना? हाँ, जो इस समय पढ़ाई कर रहा है। हाँ। मैं सोच रही हूँ मेरे विनोद बेटे की यहाँ पर पूरी पढ़ाई हो जाएगी, तो एक दिन मैं अपने विनोद बेटे को लंदन पढ़ने के लिए। बात सही कहूँ मैं, भैया की पढ़ाई बड़े लंदन भेजो। लंदन? आप तो कहती है लंदन रे। लंदन हम कहे लंदन के लगे भेजो। लेकिन एक बात मैं अपने दिल में दबाए रखी हूँ। कवन 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 बात दबाया है? आज तक मैं वो बात किसी से बताई नहीं। अरे अपने बेटे से ना बताऊ? यही तो सोच रही हूँ हरिचंद की, आज मैं वो बात तुमसे बता दूं, लेकिन कभी किसी से बताना नहीं। महतारी, कब हम क्यों सुनना बताऊं? दो चार जने छोड़ के सुनना बताऊं? जब मैं अपने मायके थी तो मैं भी पढ़ाई कर रही थी। पढ़त रहूं माई तू हूं? हां हां ठीक है। मैं भी पढ़ाई कर रही थी और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसी क्लास में जगत नाम का लड़का पढ़ रहा था। एक ही नजर में मैं उसे देखी और उससे प्यार हो गया, लव हो गया। लव लव माने क्या होता? प्यार मोहब्बत। हम कब करें ना ये? मैं उसे दिलो जान से चाहने लगी, यहाँ तक कि हरिचंद। हाँ माई। मैं उसके साथ मंदिर में जाकर कसम भी खा ली कि जगत सिंह, अगर शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ, वरना अपनी जान दे दूंगी। तब माई? लेकिन हरिचंद बेटवा, कब हमारा? हम ना ही जानते रहे कि हमारे सामने ही मुसीबत आई जाए। कर वो समय समय घड़ी कैसे हो? हमारे मम्मी पापा शादी कई दिन। हाँ। जगत सिंह हमसे नाराज हुई। भाई देखा, नाराजगी वाली बात जो बेवफाई हो गई तो क्या करूँ माई। लेकिन जब कभी फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं करता। गुस्सा कमारा। हाँ, और जब वो कभी फोन लगाता है तो मैं इसी परिवार में व्यस्त रहती हूँ, ठीक तरह से उससे बातें नहीं कर पाती हूँ। करे सेहान लड़के हो ये हमारे बेटवावत बा। हाँ। हमारे विनोद बेटवावत रे। हाँ विनोद, पढ़ाई के रहा रे? हमका लगता है छुट्टी हो गई का? अच्छा ठीक है, मैं बैठ कर उसका इंतजार करती हूँ, वो आ जाए तो मेरे पास लीवा कराना। ठीक। और कहिए हरिचंद। ठीक बे भैया। ठीक है। कहा था भैया? हाँ। स्कूल चला बता का? जी हाँ। छुट्टी होगी, हाफ डे रहा का? हाँ हाँ। ये बता, हाँ? माँ कहाँ है? माई बैठी है, इंतजार करती है तुम्हार। चलिए मैं हाँ माँ से मिलूंगा और अपने दिल की राज उनसे जरूर जाहिर करूंगा। आवा चलिए। माता जी के चरणों में बेटे विनोद का प्रणाम सत्कार। खसी रहा खसी रहा खसी रहा। खसी कहाँ रहा है? माई तो कह दिया। खुशी रहा? खुशी कहेंगे, माई कहा खसी रहा। बात क्या है? आप बैठ जाइए, मैं जरूर बताऊंगा माँ। बता मुन्ना। कमल चरण मैया मेरी शीश झुकाए, यही मुझे आशीष दो मम्मी सदा रहूं। खुश
शौख तमन्ना, अरे दिल में मम्मी पढ़ने लंदन जाऊं। अरे लंदन की करूं तैयारी रोशन कर दिखला। मां आपके चरणों पर अपना सर रख करके आशीर्वाद की कामनाएं करता है तुम्हारा बेटा मां। और सौ तमन्ना ये है कि यहां मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई है, मैं लंदन पढ़ने जाकर जाने का दिल कह रहा है, आपकी आज्ञा का है मां। मेरी बात सुन बेटा। बोलिए माँ। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश हाल। शीश तुम्हें सदा रहो आवाज। बात कितनी अच्छी है। हाँ हाँ भैया। विनोद बेटा। बोलिए माँ। देख मेरे दिल में यही अरमान था कि जब मेरा बेटा यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा सही तो एक दिन मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजूंगी। लेकिन आज तू मेरे दिल की बात कह दिया, अगर तू लंदन पढ़ाई करने जाना चाहता है तू शौक से जा, मैं तेरे जाने की अभी तैयारी बना देती हूँ। सही है। ठीक है माँ। कहा था माई भैया अगर लंदन पढ़ाई जाए ना पढ़ के चला है तो बढ़िया अपन नाम रोशन करी है, रोशनी हो जाए तो हो रहा खूब। कहा हो जाए भैया का नाम रोशन हो जाए तो हर रोशनी हो जाए। हराम खोर। काहे नाम रोशन होगा। हराम नाम रोशन हो जाए भैया अगर जज्जा हो जाए ही। जज्जो। हाँ भैया। हाँ जज्जो हो जाए नाम न होए। विनोद बेटा ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है। क्या करोगी माँ, माई जब इसकी आदत ही पड़ गई है तो आप सुधरेगा नहीं। भैया भैसा दे जाए पगले, उसे पैसा कहा जाता है। हाँ वो कहते पैसा। हाँ पैसा भैसा कहा था। ठीक है विनोद बेटा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है माँ। हरिचंद। हाँ माई। वो हराम खोर परमुदवा जो मेरे घर में है, मेरी बड़ी बहन का लड़का। एक बात ये पूछे चाहते हैं माई। क्या रे? कि अपने विनोद भैया का तो खूब माना थू, अब परमोद भैया के देख के काहे जला थू? वो हराम खोर किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करता नहीं है, खाना खा लेता है, दिन भर टहलता है, अपनी मनमानी करता है। इसीलिए मैं उस हराम खोर के ऊपर हमेशा खफा रहती हूँ। ये बात यह है। देख
सुबह सुबह उसे कहकर आई थी कि खेतों का काम पूरी तरह से हो जाना चाहिए। सही है। अगर वो हराम खोर खेतों में काम करता नजर नहीं आया तो ये जान ले हरिश्चंद। हाँ माई। कि बहुत ही बुरा होगा। आज उनका खैर हूँ नहीं। हाँ, लेकिन जब कभी जगत सिंह की याद आती है तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, मेरा अंग अंग टूटने लगता है। ए माई, हमका जिन दिखाओ, हम तोर बेटा वा है। का हम एकदम खत्म है का? तय हमार बेटवा ही बात सच है रे। अच्छा का भैया, गंगा कैसे वाले हमारे आगे हमार माई गए रही मोरनी तो कहाँ हमसे बर्दाश्त हुए। देख हरिचंदा, एक ही तही ना रे कि जोन हम अपने दिल के बात तो सी कह सकी थी। हमें तो तोर कह सकी हर हर बतिया पूरी और का। चल ठीक बा, आओ चली। चल माई। आई जवानी कैसे आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जाए। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जाए। इधर संभालू गिरे उधर से, इधर संभालू गिरे उधर से नागन सी लहरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सर की जा। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बड़े दुख की बात यह है कि मेरी जन्म देने वाली माँ बचपन में ही गुजर गई। मैं माँ का प्यार नहीं पाया। मेरे पिताजी मेरी परवरिश के लिए मेरी मौसी माँ के साथ शादी कर लिए और मेरी मौसी माँ इस घर में आई है। मुझे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार देती है। मेरे छोटे भाई का नाम विनोद कुमार है। मेरा मुन्ना इतना प्यार देता है मुझे, इतना प्यार करता है, जब तक मुझे देख नहीं लेता है तब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। और मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। जब माँ से खाने को मांगता हूँ तो माँ रूखा सूखा खाने को देती है, लेकिन क्या करूं, काम करते करते शरीर में इतना दर्द है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं आराम कर लूं, तेरा ही सहारा है मालिक। देखा महारानी गाड़ू खेते में काम कर रही आई यहाँ। हाँ माई। हियाँ बैठ के, हियाँ लेट के आराम करता है। जाएगा महतारी हो सकत बेचारा थका नहीं हो। कहीं जा, ये जल्दी जा भाग। ले माई। चल भाग जल्दी, निकल निकल भाग ये से। देखे माई। ए परमोदवा यो, परमोदवा रे, उठ महारानी गाड़े। आ, 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 आ,
मेरी बात तो सुने। खेत में काम करने को जाता नहीं, सो रहा तू यहाँ पर आराम से, जी करता है दबा दूं अरे तेरा गला, मार डालूं कभी ने तुझे जान। महारानी गाँव तोहका खेत में काम करे खाती भेजे रहे तो तू आए के ही आराम करता तो है। हराम खून मौसी माँ, मेरी बात सुनिए मौसी माँ। हराम जाने, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे मौसी माँ कहेगा तो कसम से कहती हूँ मैं तेरी जबान हलक से खींच लूंगी हराम को। लगी हो सके तो मुझे खाना खिला दो मौसी माँ, रात दिन मैं खेतों में काम करता हूँ और मुझे खाने को देती हो तो सिर्फ सूखा रूखा। अरे तुझे खेत में काम करना पड़ेगा। हराम जादे, अगर मुझसे खाना मांगा तो हराम जादे मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। जितना जल्दी हो सके तू जा, और जब तक खेत में तू पूरा काम नहीं करके आएगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। और नहीं इस तरह मैया यह डर चला मौसी माँ, मेरी बात सुनिए। हराम कि नहीं इस तरह पढ़ता हूँ पैया कहाँ माने जाओ, पढ़ता हूँ
और मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिलाओ, मुझे एक रोटी का। ये बता तू खेतों में काम करने जाएगा नहीं फालतू मुझसे बातें करेगा? अरे हम पागल यही महारानी गाड़ू तो का समझावत यही या? आज अगर मारत तुहार जान न ले तो हमार नाम कमला रानी नहीं, महारानी गाड़ू देखी थी हमारे हाथ तो का के बचा। अरे रुकिए रुकिए ए मैया, ये रुक के जाइए, रुकिए रुकिए। बता दीजिए क्या खता मेरा भाई, अरे भारी किया अपने विनोद से, सच सच सुना दीजिए। इस तरह से न तुझे शर्म आई बेशरम, हाथ मैया के ऊपर उठाते हुए कि धर्म की अब तुझे कुछ रही ना खबर। धर्म की ना तुझे कुछ रही अब खबर, हाथ मैया के तन पे लगाते हुए अपना औलाद समझता था, लेकिन आज तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत कि आज मां के ऊपर हाथ उठाया। अरे हाथ उठाने से पहले तुझे 100 मरतबा सोचना चाहिए कि मां के कदमों में जन्नत होती है। आ? अरे पगले तू क्या सोच रहा कि मौसी माँ मुझे मार रही थी? ढेर का बोधा जी गल चल अब भैया। महारानी गाड़ू मरवाई ले हाथ यहाँ आए के भैया। टेबल टेबल बोला करे, मुझे गलत मत समझो भैया। विनोदवा, अरे महारानी गाड़ू पाल पोस के तो का ही दिन खाती सयान की मोट मोट किताब ही दिन खाती पढ़ा महारानी गाड़ू कि बड़ा हो जाए तो महतार इनको मारया। महारानी गाड़ू तो मार माँ, तुम जानती हो कि तुम्हें तुम्हारे सिवा और हमारे सिवा भैया की इस दुनिया में कौन है? अरे अगर तुम मानती रहो कि ते मेरे भैया को बचाने वाले कौन आएगा माँ? ताई हमका काहे मारे? लेकिन मैं भैया को दुख नहीं देख सकता माँ। देखा इनका देखा महारानी गाड़ करे ताई हमार क्या है? ताई हमार क्या है? भतार है महारानी गाड़ू। बेटवा है चौक है, बेटवा है क्या है? ताई हमार बेटवा है ना? माँ मैं आपका लाल हूँ, आपका बेटा हूँ, लेकिन भैया भी तो आपके कुछ है। यह दम तो का समझावा चाहती है महारानी गाड़ू, बेफालतू बुलक बुलक रोवता है करे। जैसे ताई हमार बेटवा ओसे प्रमोदव हमार बेटवाया, हार की है बा कि हमारे बड़ी बहन का बेटवाया, लेकिन हम प्रमोद बेटवा को मारत नहीं रहे। विनोद बेटवा तो माँ, हम प्रमोद बेटवा को मारत नहीं रहे, हम प्रमोद बेटवा का परीक्षा लेते रहे। हम ही जाने चाहत रहे कि हमका सौतेली माँ समझा था कि सगी माँ महतारी जाना था। हरिचंद समझा भैया, सुने माई की बात? हाँ माई तमलत रही। अगर मैं 10 मिनट पहले ना पहुंचा होता भैया तो यहाँ भैया भैया नहीं बल्कि भैया की लाश मिलती। देखा और मौके पे पहुंचा भैया तो माँ क्या कह रही? माई तवलत रही कि मैं प्रमोद की परीक्षा ले रही थी। हाँ माई परीक्षा दे चाहते मारब तो मुंह तोड़ टूटी जाए। परीक्षा लेते रही परीक्षा परीक्षा
मतलब इंतिहार। हाँ मतलब तौल के। तौल के माँ, ऐसी परीक्षा मत लो माँ कि किसी की जिंदगी चली जाए और आप परीक्षा ही लेती रह जाएंगी। देख। लेकिन बात तुम्हें मालूम है, अगर मेरे बड़े भैया को कुछ हो गया तो तेरा माँ तेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। माँ मेरी बात को सुन मेरे लाल। क्या बात है माई? भैया अरे रो क्यों भैया? भैया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ भैया। माँ की तरफ से आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ कि अगर माँ मैं आपके ऊपर हाथ उठा ही दिया है तो माफ कर दे मेरे भैया। विनोद देख, प्रमोद बेटवा हमार भूखान बरे। सही कहा थी हमारे। ये हमार भैया भूखान बा। एक अपने साथ लिया जा, खाना उना खियाओ, अब हम आवत यही। माँ आप चलिए थाली लगाइए, मैं दोनों भाई आ रहा हूँ, एक साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा माँ वाकई में आप कितना महान है। मेरी माँ दुनिया से फना हो गई लेकिन आपने आभास नहीं होने दिया, माँ के प्यार की कमी को आभास नहीं होने दिया। मौसी माँ ठीक है चलिए आप खाना लगाइए, हम दोनों भाई बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है लेकिन तुम दोनों जल्दी ही आना। हाँ माँ जल्द आऊंगा। माँ क्या कुछ कहना चाहता है का? अगर इस दुनिया में इंसान सबको माँ दे, भगवान सबको माँ दे तो तेरे जैसे माँ मिले। वाकई में तू माँ नहीं देवी है और ये घर स्वर्ग जैसा है। माँ कि कुरान या कहता है कि कुरान या कहता है, कुरान या कहता है वो बख्शा न जाएगा जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। कुरान ये कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाए। कुरान या कहता है वो बख्शा न जाएगा, कुरान या कहता है वो बख्शा न जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दो जख्म में जाएगा। ठीक है माँ हम दोनों भाई जा रहे हैं। ठीक है